दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज के एक और काफी अच्छे से और फ्रेश से एपिसोड में। मैंने कहा आपके लिए काफी सारी कमाल कमाल की टेक न्यूज, तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करें आज की हमारी पहली टेक न्यूज की, तो उससे पहले सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यार दिखाने के लिए मेरे पहले ब्लॉग के ऊपर, यानी कि जो मैंने मनाली वाला ब्लॉग डाला है अपने नए चैनल के ऊपर ट्रैवल विद असु पर। आपने उसे काफी ज्यादा प्यार दिया, काफी सारे व्यूज है, काफी सारे लाइक्स हैं, कमेंट्स हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने भी नहीं देखा आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगी और आप जाके देख सकते हैं ट्रैवल विद असु पर पहला ब्लॉग है और मतलब पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट भी बहुत जल्दी लॉन्च मतलब मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो बात कर रहे हैं हमारी पहली टेक न्यूज़ की, तो वो है ट्विटर की तरफ से। और ट्विटर की तरफ से अभी 550 से भी ज़्यादा जो अकाउंट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि जैसे आपको पता है कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ है रिपब्लिक डे के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से निंदनीय था। मतलब मैं कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूँ उस सब चीज़ की कि मतलब प्रोटेस्ट ठीक है पर ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा गलत है। सभी देशों ने देखा है कल क्या चीज़ें हुई हैं, बहुत गलत चीज़ें हुई हैं और मैं रिकॉल नहीं करना चाह रहा इस सब चीज़ को, पर बहुत गलत चीज़ है। तो उसको रिलेटेड जो भी अकाउंट थे जो किसी भी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे थे या जो भी चीज़ें कर रहे थे, तो उस चीज़ के लिए उन सभी अकाउंट्स को बैन किया गया है। लगभग 550 से ज़्यादा अकाउंट्स को बैन किया गया ट्विटर के ऊपर। दोस्तों अगली टेक न्यूज़ है वो है एप्पल की तरफ से। एप्पल की तरफ से अभी रिकॉर्ड बना है, यानी कि इंडिया के अंदर जो कि सबसे बड़ी मार्केट है स्मार्टफोन्स की, मतलब कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इंडिया है स्मार्टफोन्स के लिए, तो वहां पर अभी एप्पल को मतलब बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है इस मतलब लास्ट क्वार्टर में, यानी कि जो अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर था उसमें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, जिसके अंदर इन्होंने लगभग 15 लाख आईफोन्स को सोल्ड किया है, यानी कि 15 लाख जो आईफोन्स की यूनिट थी वो सोल्ड की गई है इंडिया के अंदर। और इसी मतलब इसी सब के अभी हो सकता है कि बहुत जल्दी हमें जो iPhone 12 है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि अभी रिपोर्ट्स ये भी निकल गई हैं कि एप्पल मार्च के या तो शुरुआत में या फिर मिड में अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर करने वाला है iPhone 12 की। तो अभी जो प्राइसिंग होने वाली है थोड़ी सी और डाउन जाएगी, क्योंकि अभी तक भी जो सेल के अंदर भी प्राइसिंग देखने को मिली आईफोन 12 की वो लगभग 62,000 के आसपास, मतलब सब कार्ड वगैरह लगा के बहत्तर 72,000 देखने को मिली हमें। तो अभी इससे और डाउन जाने वाली है ये, क्योंकि आईफोन 12 जैसे आपको पता है कि बेस्ट सेलिंग 5G स्मार्टफोन है दुनिया का, तो अभी इसी के चलते इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है तो उसकी जो प्रोडक्शन स्टार्ट करना जायज़ बनता है। और अभी देखते हैं और ज़्यादा कितना पॉपुलर होगा, प्राइस कितनी कम जाएगी, सभी चीज़ें बच रहेंगे फ्यूचर के अंदर। अगली जो टेक न्यूज़ है वो है व्हाट्सएप तरफ से, और व्हाट्सएप की तरफ से इंडिया की नहीं है यूके की है, यानी कि यूके के अंदर बहुत सारे लोगों ने लगभग आपका मिलियंस में है लोग जिन्होंने व्हाट्सएप को बिल्कुल बंद कर दिया है, यानी कि उन्होंने व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दिया है इन्हीं सब नई जो पॉलिसीज़ है उनकी वजह से। उनको नहीं चाहिए कि ये पॉलिसीज़ उनके मतलब कि वो एक्सेप्ट करें, तो इसी वजह से उन्होंने व्हाट्सएप को हटाकर अभी और जो प्लेटफॉर्म उनके ऊपर शिफ्ट कर लिया है, चाहे वो सिग्नल हो टेलीग्राम हो उनके ऊपर। तो अभी देखते हैं, वैसे इंडिया के अंदर कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि ये जो पॉलिसीज़ है वापस जाने वाली हैं या फिर इंडियन गवर्नमेंट व्हाट्सएप को बैन करने वाला है, पर जो भी डिसीजन होगा हमें मानना है और मानना ही चाहिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी जो प्राइवेसी है उसके अंदर कोई भी दखलंदाजी ना करे। तो देखते हैं कि व्हाट्सएप अपनी जो प्राइवेसी इन पॉलिसीज को वापस लेता है या नहीं लेता है। बाकी हाँ यूके बढ़िया है कि मतलब बिल्कुल बंद कर दिया उसे और दूसरे एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर लिया। अगली जो टेक न्यूज़ है वो है वापस एप्पल की तरफ से, क्योंकि एप्पल का iOS 14.4 अभी आ चुका है, नहीं लॉन्च हो चुका है, आपको अपडेट आ गया होगा, आप लोग अपडेट कर सकते हैं। वैसे मैं वीडियो कल लेके आने वाला हूँ और जो साइज है वो भी लगभग आपको 350-400 MB के आसपास मिलेगा, तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा क्या क्या नए अपडेट आए हैं, क्या बग फिक्सेस किए गए हैं, क्या सारी चीज़ें मैं कल बताने वाला हूँ। और ये अपडेट आ चुका है, एकदम स्टेबल वर्जन है तो सबके पास आ गया होगा, तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं। वैसे मेजर अपडेट है तो कर लीजिए, कुछ जाएगा नहीं इसके अंदर। अगली जो टेक न्यूज़ है वो शायद आपने सुनी ली होगी, जो कि टिकटॉक की तरफ से आ रही है कि टिकटॉक का अभी बिल्कुल फाइनल समझ लीजिए कि वापस आना ही नहीं है। मतलब हमें पता है कि वापस नहीं आना, फिर भी कुछ लोग अगर मन में एक आस रख के बैठे हों कि नहीं टिकटॉक वापस आएगा, तो नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाला है, क्योंकि जो इनकी पेरेंट कंपनी बाइट है, बाइट डांस है, उसने अभी 2000 से ज़्यादा इंडियन जो एम्प्लॉयज है उनको निकाला है कंपनी में से। तो ये सीधा सीधा इशारा है कि मतलब जब इंडियन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब इंडिया के अंदर आने की कोई चांसेस भी नहीं है। वैसे तो आएगी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, फिर भी कुछ को अगर माइंड में किसके डाउट रहता है कि मतलब क्या पता आ जाए, तो टिकटॉक नहीं आने वाला, तो उस चीज़ की चिंता ना करें। बाकी जो आपके अल्टरनेटिव है टिकटॉक के, वहाँ पर जाकर आप वीडियोज़ बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो सब कुछ ही कचरा भर चुका है सब जगह।
अगली जो टेक न्यूज है वो भी एप्पल की तरफ से है, क्योंकि एप्पल ने अभी एक पेटेंट फाइल किया था जो कि अप्रूव हो चुका है, जो कि है टाइटेनियम बॉडी वाले आईफोन का भी। टाइटेनियम एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल है, जो धातु बहुत ज़्यादा महंगी है वो, जिसके प्रोडक्ट्स काफ़ी महंगे होते हैं। तो अभी एप्पल की सिर्फ एप्पल की स्मार्ट वॉच आती है। अगर बात करें एप्पल की एप्पल वॉच 6 की, तो उसका जो टाइटेनियम वर्जन है जहाँ पर उसकी बॉडी टाइटेनियम की है, वहाँ पर वो उसकी प्राइसिंग है वो लगभग 80,000 के आसपास, 75 से 80,000 के आसपास है। मैंने कि बिल्कुल GPS और आपका मतलब सेलुलर GPS वाला जो वर्जन है, दोनों जिसमें वर्जन होते हैं, प्लस उसमें 44mm वाला जो वर्जन है, लगभग 76 से 80,000 के आसपास का है। वो सोच लीजिए कितना ज़्यादा महंगा है। इसी के लिए अभी एप्पल आईफोन भी बनाने वाला, भी ये नहीं पता कि जो अपकमिंग सीरीज होगी 13 होगी उसके अंदर पहला स्मार्टफोन आएगा, या फिर जो एग्जिस्टिंग सीरीज है अभी 12, तो उसके अंदर भी अभी ये टाइटेनियम वाले जो आईफोन है वो निकालने वाले 12 सीरीज के, वो नहीं पता। पर हाँ, पेटेंट अभी इनका अप्रूव हो चुका है, तो देखते हैं कब तक आईफोन आते हैं टाइटेनियम में और ज़्यादा महंगा होगा, बहुत ज़्यादा महंगा। अगली जो टेक न्यूज़ है बहुत ज़्यादा स्पेशल सी है, क्योंकि वो है रियलमी तरफ से, क्योंकि रियलमी का जो रेस है, याद होगा मैंने बताया था इसके बारे में कि रियलमी रेस की कुछ लीक्स निकल के आई थी कुछ टाइम पहले तक, कि मतलब रियलमी करके एक इनका फ्लैगशिप फ़ोन आने वाला है, जो कि सच में ट्रूली फ्लैगशिप होने वाला है, मतलब सारी जो लिमिट्स सबको क्रॉस करके स्पेसिफिकेशन लेके आएगा, जो कि बोल सकते हैं उसकी टाइमलाइन को अभी टीज किया गया है, जो कि फरवरी है, यानी कि फेब में आने वाला है वो। तो देखते हैं कब तक आएगा फेब में। बाकी जो स्पेसिफिकेशन अभी तक पता है जो कि होने वाले हैं, वो है स्नैपड्रैगन 888, जो कि ऑब्वियस ही बात है फ्लैगशिप है तो स्नैपड्रैगन ही लेके आएगा 888 में। इसके अलावा 6.8 इंच की QHD डिस्प्ले, यानी कि क्वाड HD डिस्प्ले, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे रेजोल्यूशन के साथ में आएगी, और इसके साथ में भी इसमें आपको 160 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, यानी कि हाई रिफ्रेश रेट होता है 120, आपने देखा होगा बहुत सारे नॉर्मल हो गया अभी तो, पर फिर भी 160 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एकदम मक्खन मलाई वाला स्मूथ आपको देखने को मिलेगा इसके डिस्प्ले में। बाकी बात करें तो 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग आएगी। अब आपको याद होगा मैंने बताया था जब 888 आया था, 888 के साथ में पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि उसमें क्विक चार्ज का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, तो वहाँ पर आप ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके फास्ट चार्ज करने की स्मार्टफोन की, वो बहुत ज़्यादा है, 100 वॉट से ऊपर है। तो इसके अंदर आपको 125 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकती है, 5000 mAh की बैटरी, 12GB रैम, 512GB इंटरनल और 64MP का मेन जो कैमरा यूनिट है। तो देखते हैं कि स्मार्टफोन कैसा होने वाला है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकेशन है बहुत ज़्यादा हाइप करें, क्योंकि रियलमी रेस प्रो के हैं और रियलमी रेस जो है वो भी लगभग ऐसे ही स्पेसिफिक साथ आने वाला, मतलब काफ़ी अच्छे वाले 888 और 8GB रैम, मतलब वो सभी चीज़ें भी हैं उसके अंदर। बाकी रियलमी रेस प्रो एक सच में प्रो होने वाला है और प्रो लेवल का फ्लैगशिप होने वाला है, देखते हैं कब तक आएगा। बाकी हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और, जो रियलमी का X7 प्रो सीरीज़ है जो कि इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाली है, उसकी कंफर्म डेट आ चुकी है, जो कि मैंने बताई थी 4 फरवरी ही है, यानी 4 फरवरी को ही ये रियलमी का X7 प्रो इंडिया के अंदर एंट्री लेने वाले हैं। प्राइसिंग देखते हैं क्या होने वाली है, वैसे मेरे हिसाब से तो 20 से 25 के आसपास होगी। अगली जो टेक न्यूज़ है वो है पोको की तरफ से, और पोको का मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन बोल लीजिए इंडिया के लिए, क्योंकि पोको M3 बहुत टाइम से बोला जा रहा है कि आएगा। अभी उसका एक टीज़र निकल के आया है जिसके अंदर कुछ लोग गेमिंग कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें फोटोग्राफी कर रहे हैं, मतलब अलग अलग से जो फीचर्स हैं उनको हाईलाइट किया गया उस वीडियो के जरिए, जिसमें कि बोला गया कि मतलब वैसे फीचर्स की तारीफ की गई है कि मतलब गेमिंग भी अच्छे से हो सकती है, फोटोग्राफी अच्छे से हो सकती है, सभी चीज़ें अच्छे तरीके से हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं छोटी सी क्लिप डाल दूंगा इसकी जो बोल सकते हैं टीज़र है, बाकी आप यूट्यूब पर जाकर पूरा टीज़र देख सकते हैं। अभी बात करें स्मार्टफोन की, तो कोई लॉन्च डेट नहीं बताई गई, पर फिर भी एक टीज़ किया गया है कि लगभग फरवरी के आसपास ही आपको आने वाला है। तो देखते हैं फरवरी टाइम में कितना आ गया, फरवरी तो फरवरी में यानी कि पोको का M3 आने वाला है, और जो प्राइसिंग है मेरे हिसाब से वो 15 से 20 के बीच में जाने वाली है। तो देखते हैं स्मार्टफोन कैसा होगा, जैसे मेरे हिसाब से 15 से नीचे आएगा तो बहुत ज़्यादा एक तगड़ा स्मार्टफोन है और सबको मतलब मैं रिकमेंड करूँगा उसके बाद। दोस्तों बात करें आज की हमारी आखिरी टेक न्यूज़ की, तो 4G की तरफ से 4G अभी फाइनली लॉन्च हो चुका है इंडिया के अंदर, और ये अभी एंड्रॉयड के लिए ही अवेलेबल है, तो आप लोग जाके खेल सकते हैं। बाकी मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाना का सोच रहा था, पर मैं नहीं बनाई, क्योंकि अभी कल को पहले iOS 14 का बताना है, 14.4 का क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं नहीं बना पाऊंगा वीडियो। बाकी मेरा इतना मन भी नहीं है अब, क्योंकि मैं खेला मैंने गेम, काफ़ी अच्छा गेम है, अप्रिशिएट करना चाहिए, काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर अभी भी ना जो कैंपेन मोड है वही ओपन है अभी, जिसमें आप लोग कैंपिंग कर सकते हैं। कैंपिंग मतलब कि आपके सामने एनिमीज आएंगे, पहले एक दो एनिमीज आएंगे, फिर 3-4 आएंगे, मतलब कि लेवल जैसे बढ़ता रहेगा एनिमीज बढ़ते जाएंगे,
तो उनके साथ आप फाइट कर सकते हैं, जिसमें गन्स वगैरह नहीं है अभी, आपको जो हथियार है वो ही मिलेंगे उसमें। अगर उनको मारते हैं तो उनके हथियार ले सकते हैं, जिसमें आपका वो डंडा वगैरह है, कुल्हाड़ी है, मतलब कस्टम वाले जो उनके बनाए गए हैं खुद से, उनके नाम भी ऐसे ही हैं, तो आप देख सकते हैं उन्हें लेके उन्हें मार सकते हैं, जो कि टेम्परेरी होते हैं। इसके अलावा उसमें डायलॉग्स भी हैं, हिंदी डायलॉग्स हैं, शुरू में एक स्टोरी दिखाई जाती है, तो सब कुछ मतलब हिंदी के अंदर है, तो काफ़ी अच्छा है गेम वैसे तो। और मुझे, मैं बोल सकता हूँ इनिशियली मुझे ठीक ठाक लगा है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अपर लेवल का नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन पबजी वाली ही है, अभी भी कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। देखते हैं कब तक आएगा, मतलब कि जो इसके बाकी वर्जन है, जिसमें आपका TDM है यानी कि टीम डेथ मैच है, और जो इसका मल्टीप्लेयर वाला है, जो कि रॉयल मतलब बैटल रॉयल बोल सकते हैं, फिर मल्टीप्लेयर बोल लीजिए, वो भी आना है, तो वो कमिंग सून आते हैं दोनों अभी। तो जब तक वो नहीं आते, मैं मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी कोई वीडियो बनाने वाला हूँ। जब वो आएंगे तो अपने मैं रिव्यूज दूंगा इसके अंदर, इसे अच्छे से खेल के और सभी चीजें बताऊंगा। फिलहाल के लिए ठीक ठाक गेम है, और अप्रिशिएट करने से काफी अच्छे तरीके से बनाया है, ग्राफिक्स काफी अच्छे हैं, और सभी चीजें देखने की है कि मतलब कैसा होता है, बाकी आगे चीजें पता चल जाएंगी। तो बस आज की भी जो वीडियो है टेक न्यूज है खत्म होती है, जिसका नंबर है 101, यानी कि 101 भी हमारी टेक न्यूज खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।